Hello friends, welcome to another interesting video of on big data. Okay, so इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी बिग डेटा के बारे में कि बिग डेटा क्या होता है, वॉट इज बिग डेटा एंड हमने बात करी थी कि हम कैसे पहचानेंगे किसी डेटा को कि वो डेटा बिग डेटा है या नहीं, बिग डेटा और नॉट. ओके, तो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि बिग डेटा ऐसे डेटा को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. बट हमें इस डेटा की ज़रूरत क्यों, राइट? क्यों क्यों चाहिए हमें ये डेटा? इतना बड़ा डेटा इकट्ठा क्यों करना चाहते हैं हम? क्या करेंगे इतना बड़ा डेटा इकट्ठा करके? सो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, नीड फॉर बिग डेटा, कि हमें बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है, राइट? सो इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करेंगे, या फिर तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जिसमें हम ये समझ पाएंगे कि हमें एक्चुअल में बिग डेटा की जरूरत क्यों है. तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ, विच इज स्मार्टर डिसीजन मेकिंग. ओके, स्मार्टर डिसीजन मेकिंग क्या है? जब हम बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा तो नहीं है कि मैं बिग डेटा अपने लिए कलेक्ट कर रहा हूँ पर्सनल यूज के लिए. बिग डेटा जनरली ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है, राइट? ऑर्गेनाइजेशन जैसे वॉलमार्ट, ओके, वॉलमार्ट, गूगल, फेसबुक और ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है. इनफैक्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती है वो डेटा कलेक्ट करती है, बिग डेटा यूज़ करती है. किस तरह से? स्मार्टर डिसीजन मेकिंग. स्मार्टर डिसीजन मेकिंग मतलब डेटा हमें हेल्प करता है, जो बिग डेटा है वो हमें हेल्प करता है नए डिसीजन लेने में. अब डिसीजन ये किस तरह के डिसीजन होंगे? ये ऑब्वियसली बिजनेस रिलेटेड डिसीजन है. लेट्स से मैं अमेजोन पे, फॉर एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, अमेजोन पर नहीं, नेटफ्लिक्स के एग्जाम्पल बात करते हैं आज. सो लेट्स टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स टुडे. लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स चलाता हूँ, मतलब एज अ यूजर नहीं, एज अ कंपनी मैं नेटफ्लिक्स चलाता हूँ. तो मैं क्या चाहूँगा कि मुझे पता लगे कि अगर मेरी कोई मूवी है, अगर कोई मैं मूवी रिलीज कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे, तो वो कौन देखना चाहेगा, राइट? बेसिकली मैं रिकमेंडेशन चाहता हूँ, मैंडेशन, मैं बेसिकली रिकमेंडेशन चाहता हूँ, राइट? मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है तो वो कौन देखना चाहेगा, उसका पता कर सकूँ. तो मेरे पास किस तरह का डेटा होना चाहिए? मेरे पास एज ग्रुप का डेटा होना चाहिए. इससे मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा कि किस एज के लोग उसे देखते हैं, मतलब ये बच्चों को पसंद आती है ज़्यादा या फिर बड़ों को, ये ईयर्स में. तो ये सब चीज़ें इसे इसे 12 कर देते हैं, 4 to 12. ओके, सो इस तरह का डेटा जो हमारा, जिसे हम जनरली डेमोग्राफिक डेटा भी बोलते हैं, डेमोग्राफिक्स, या फिर हमारा जो जियो स्पेशल डेटा होता है, जियो स्पेशल डेटा. ये जियो स्पेशल डेटा क्या बताता है? ये रीजन बताता है. मान लो सलमान खान की मूवी रिलीज हुई तो उसे कहाँ देखेंगे, जनरली इंडिया के लोग या पाकिस्तान के लोग, या मतलब जियोग्राफिकली हम जब डिवाइड करते हैं चीज़ों को किसी लोकेशन के हिसाब से. या फिर अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेब सीरीज की बात करूँ, लेट्स से कोई ऐसी वेब सीरीज जो आईआईटी या किसी ऐसी चीज़ को डिपिक्ट करती है, तो उसे जनरली किस एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं या फिर किस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग देख रहे हैं, राइट? अगर कोई मूवी तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई है तो ऑब्वियस है कि उसको तमिलियंस पसंद करेंगे, राइट? तो इस तरह का जब डेटा हमारे पास होता है, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, हम इसका यूज़ करके स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हैं कि हमारा जो डेटा है हम उस पर डिटरमाइन कर सकते हैं क्या पैटर्न्स हैं क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहाँ पे सेल करना है. ओके, सो ये था हमारा बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस, स्मार्टर डिसीजन मेकिंग. ओके, द सेकेंड यूज, जो सेकेंड यूज है बिग डेटा का, वो है कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस में. अब कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलमार्ट. वॉलमार्ट, वॉलमार्ट ने क्या किया, एक केस स्टडी करी थी, और इस केस स्टडी में ये पता लगा कि जो लोग बियर परचेस करते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे फ्राइडे को जो लोग बियर परचेस कर रहे हैं, वो दूसरे स्टॉल पे जाकर डायपर्स भी परचेस कर रहे हैं. मुझे डायपर्स की स्पेलिंग सही से नहीं आती, करेक्ट कर रहा, तो मुझे नहीं पता क्या रिलेशन है सीरियसली, बट ये उनकी केस स्टडी थी. ओके, उन्होंने केस स्टडी परफॉर्म करी और केस स्टडी में ये पता लगा कि जो लोग फ्राइडे को बियर खरीद रहे हैं,
ज्यादा बियर्स खरीद रहे हैं, वो डाइपर्स भी खरीदते हैं। तो वॉलमार्ट ने क्या किया, अपने बियर स्टॉल के बिल्कुल बगल में डायपर स्टॉल्स भी लगा दिए। इससे क्या हुआ, उनकी सेल इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई, सेल इंक्रीज हो गई। तो अगेन बिजनेस परस्पेक्टिव, तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज किया गया, कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज किया गया, कस्टमर किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, राइट। अब जैसे लेट्स से अमेजोन है, अमेजोन भी अपने यूजर्स का बिहेवियर ट्रैक करता है कि अगर कोई यूजर पर्टिकुलर टाइप की बुक खरीद रहा है, लेट्स से कोई पर्टिकुलर ऑथर खरीद रहा है, तो कितना चांसेस है कि वो इस ऑथर की नेक्स्ट रिलीज बुक भी खरीदेगा। ओके, सो समझ रहे हो। तो हम कस्टमर के बिहेवियर को भी एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हमें बिग डेटा का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज हम यहाँ पर एक ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को, कि किस पर्टिकुलर टाइप की चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर बिहेवियर में, या फिर हम कस्टमर्स को उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ग्रुप कर सकते हैं। अब बिहेवियर क्या हो सकता है, बिहेवियर परचेज का बिहेवियर हो सकता है, कि ज़्यादातर कस्टमर जो एक महीने में पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, मतलब हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं कि हमने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिया और इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा खर्च करते हैं जो लोग, या जो लोग ज़्यादा परचेज करते हैं अमेजोन पे उनका एक अलग ग्रुप, जो उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम स्पेंड करते हैं अमेजोन पे उनका अलग ग्रुप, कुछ ऐसे लोग जो अमेजोन पे अकाउंट बना रखे हैं बट परचेज नहीं कर रहे, डीएक्टिव पड़े हुए, उनका एक अलग ग्रुप। तो हम ग्रुप भी वाई भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ बिग डेटा ना, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, ताकि हम उसमें क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है जिसका यूज करके हम एनालाइज करें चीज़ों को। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज न्यू प्रोडक्ट। ओके, न्यू प्रोडक्ट सर्विस या फिर फीचर, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि लेट्स से गूगल ने अपना एक ब्राउजर बनाया, गूगल क्रोम, मुझे नहीं पता गूगल ने बनाया या नहीं। ओके, फॉर फॉर एग्जाम्पल, नाम तो गूगल क्रोम होता है ना। ओके, क्रोम एक ब्राउजर, ये होगा क्या आपके लिए सर्च करना किसने बनाया गूगल क्रोम। जहाँ तक मुझे पता है कि गूगल ने क्रोम नहीं बनाया था, गूगल ने बाद में से परचेज कर लिया था, एक्विजिशन कर लिया था स्टार्टअप का या समथिंग। तो एक ब्राउजर हमारा क्रोम। ओके, अब इस ब्राउजर में पहले टैब्स को स्विच करने का फीचर नहीं था, मतलब आपने दो अलग अलग विंडोज खोल रखी है, आप यहाँ से टैब को उठाकर यहाँ नहीं ले जा सकते थे। कुछ लोग कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही थी, तो गूगल को लगा हाँ भाई प्रॉब्लम सीरियस है, इसका मतलब यूज़ होना चाहिए, कि अगर मतलब एक फीचर मिलना चाहिए कस्टमर को जिससे उसे बहुत ईजिली वो यूज़ कर पाए ब्राउजर को, ब्राउजर का जो यूज़ है वो बहुत ईजी हो जाए, ईजी टू यूज़ हो जाए। तो उन्होंने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है, नए फीचर्स क्यों आ रहे हैं, ताकि कस्टमर्स को यूज़ करना ईजी पड़े। कस्टमर्स को यूज़ करना ईजी पड़ेगा तो ज़्यादातर कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होंगे, सेल्स बढ़ेगी, अगेन बिजनेस परस्पेक्टिव। सर्विसेज, सर्विसेज में भी हमारी चीज़ आ सकती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, बैंक भी चाहेगा ना कि वो सर्विसेज को और ज़्यादा प्रमोट करे। लेट्स से बहुत सी सर्विसेज ऐसी थी जो ऑफलाइन हुआ करती थी, बैंक ने उसे ऑनलाइन शिफ्ट किया, क्यों किया, ताकि ज़्यादातर कस्टमर उस सर्विस की तरफ आए कि हाँ भाई ये जो बैंक है ये घर बैठे बैठे हमारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा देता है। सो ज़्यादातर कस्टमर्स इस बैंक की तरफ शिफ्ट होंगे। या फिर सर्विसेज गवर्नमेंट की हो सकती हैं, गवर्नमेंट की बहुत सी सर्विसेज ऐसी जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अब गवर्नमेंट उसे ऑनलाइन कर रही है। सो इन सब का पर्सपेक्टिव ये है ना कि आप प्रॉफिट प्रोवाइड करा सको। और ये सब क्यों हो पा रहा है, बिग डेटा की वजह से, बिकॉज आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप उस डेटा में ट्रेंड स्टडी कर सकते हो कि ये कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा है, या फिर उसमें ट्रेंड सेट कर डिसाइड कर सकते हो, मतलब ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो बेसिकली, कि पर्टिकुलर ट्रेंड किस पर्टिकुलर टाइप के लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर किस तरह की प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है। नए प्रोडक्ट या न्यू प्रोडक्ट्स भी इनफैक्ट इसी तरह से रिलीज होते हैं, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट में क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियाँ थी, उसको सुधारेंगे जब भी तो नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो बिग डेटा यहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल है। सो दीज वर द थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें इस लेक्चर में कवर करने थे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं। मिलते हैं बिग डेटा के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। हैव अ गुड टाइम।